वाराणसी में भारत सरकार के अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत बुनकर बाहुल्य बस्ती बजटडीहा में कैंप लगाकर लोगों के आंखों की निःशुल्क जांच की गई। इस दौरान उनको चश्मे का वितरण भी किया गया। उसके ऊपर माता जी तुम्हें मोतियाबिंद शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। ये बजडिया गरीब बुनकर इलाका है। इस इलाके में ज़्यादातर कमजोर तबके के लोग हैं। ये स्कीम भारत सरकार की तरफ से चल रही है। भारत सरकार ने फ्री जांच कराने के लिए बुनकरों के लिए है बुनकर क्षेत्र में, और 60 रुपया में इनको चश्मा उपलब्ध हो जाएगा, मात्र केवल 60 रुपया में। इनका कोई फीस नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ये जिसका निगाह कमजोर है उसके लिए चश्मा लगाया जाएगा। नहीं, सरकार तो 10% बुनकर अंक जमा करना होता है तो केवल का फीस रखा गया 60 रुपया। नहीं, कीमत उस चश्मा कीमत तो 1200 रुपया चश्मा कीमत है, वो केवल मात्र केवल बुनकर के लिए है और केवल 60 रुपये चश्मा मिल जाएगा। इसको 20 दिन यहाँ पे चलेगा, कैंप लगेगा 20 दिन तक, और 20 दिन में मान लीजिए बीच में त्यौहार पड़ जाए कैसे चलेगा, फिर चांदी बंद करके फिर उसके बाद लागू कर देंगे। ये लगातार चलेगा। जब से पूरी बजट यहाँ के लोगों को चश्मा जांच नहीं हो जाएगा तब तक कैंप बंद नहीं होगा। और मैं इस आप लोग के माध्यम से मैं भारत सरकार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सस्ता रेट पे और उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया। ये मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है। अरे दिखाई पड़ेगा, काम करेंगे, उससे कोई काम नहीं कर सकते बिल्कुल। चश्मा का नहीं काम करने चश्मा चलते, उसके बगल में ये वाला ये तब भी इतना नजदीक है तो ऐसे समझ में नहीं पड़ रहा। 5 बाकी एब्सेंट वाले इनको मैं खाना खाने। ये विश्व अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत में किया जा रहा है। ये जो है मतलब ये जो बुनकर लोग हैं यहाँ पे आसपास के एरिया में काम करते हैं, बुनकर का काम करते हैं। दरअसल इन लोगों को अपनी आंखों के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए प्रति जो है सचेत नहीं है, इनकी आंखें बहुत कमजोर है। तो सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया कि जो छोटे उद्यमी व्यक्ति हैं उनकी आंखों की पूर्ण जाँच की जा सके और उन्हें जो है कम से कम दाम में चश्मा प्रोवाइड किया कराया जा सके, जिससे कि ये अपनी आंखों को स्वस्थ रूप से देख सकें। और अभी तक करीब मान के चलिए कि यहाँ पे आसपास के एरिया में कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को चश्मा वितरित किया जा चुका है, कम से कम 1 लाख व्यक्तियों को। मैं मोहम्मद सलीम। सलीम जी, आप यहाँ किस लिए आए, क्या काम हुआ है? मुझे पता दिया गया कि यहाँ पे चश्मे का कैंप चल रहा है, तो मैं आया चश्मा लगवाने के लिए। मैं अपना फॉर्म भरवा करके चश्मा मिला हमको, और चश्मा लगाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि पहले मैं बिनाई अच्छी से नहीं कर पाता था, मगर अब उम्मीद है कि अच्छे से कर पाऊँगा। क्या दिक्कत थी आपको? जी मुझे कम दिखाता था। हम लोग महीन काम करने वाले हैं धागा उगा का, तो जिससे मुझे दिक्कतें थी बहुत। टेस्ट किए हैं और मैंने कुछ नंबरें भी देखा, मुझे क्लियर समझ में आया, झलपलाह दिख रहा था। सरकार को धन्यवाद बोलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।